What's up guys, welcome back to the channel. भाई देखो कैमरा के आगे इतने दिनों बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता. बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, इनफैक्ट प्रॉब्लम ये छोटी सी दुविधा हो गई है. ये देखो तो हमारा माइक यहाँ से टूट चुका है, तो पहले चलते हैं और एक नया माइक लेके आते हैं. तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत कह लो वन ऑफ माय मोस्ट बैड रिलैक्सिंग गुड फेज में था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद बहुत टाइम तक मैं कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहा था, तो उसके कारण बहुत धीरे धीरे चला था, तो इतना मेरा कुछ मन भी नहीं कर रहा था. तो अगर मैं हैप्पी नहीं फील करूंगा तो आप लोग का हैप्पी फील कैसे कराऊंगा, आप लोग का ये ब्लॉग अच्छा कैसे लगेगा. तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लेते हैं, बट देन अब हम वापस आ गए हैं एंड इट्स गोइंग टू बी फन इंटरेस्टिंग रेगुलर व्लॉग्स. एंड अब क्या पता 3 से ज्यादा व्लॉग्स हम डाल सके, बिकॉज मैं अपना पूरी कोशिश करने वाला हूँ. बट उससे पहले ये चीज पहननी थोड़ी जरूरी है, बिकॉज अगर हड्डी टूटती है, हड्डी इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है. तो भाई अब चलते हैं, तब तक लाइक कर दो एंड अब मिलते हैं अपने पहले स्टॉप पे, जो है माइक लेना, बिकॉज उसके बिना हम व्लॉग अच्छे से कर नहीं पाएंगे. भाई बचपन में किसको बेसमेंट में नीचे पार्किंग में गोल गोल घूमने में अच्छा लगता था. मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि सबसे नीचे वाली बेसमेंट में लेके जाओ और वहाँ पे गाड़ी पार्क करो. तो भाई जिस काम के लिए आए थे वो फाइनली हो गया है. इसमें जनरली 2-3 मॉडल आते हैं, बट देन आई सजेस्ट 2 मॉडल्स. वन इज़ द वीडियो माइक गो एंड वीडियो माइक प्रो. वीडियो माइक प्रो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट देन गो भाई काम अच्छा करता है एंड इट्स चीपर, आई थिंक 1/3 द प्राइस. तो सजेशन यही रहेगा. तो यार एक आइडिया के लिए मैं आपको ऑडियो डिफरेंस बता देता हूँ. अभी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज है नहीं, बट फिर भी यू विल कम टू नो कि बहुत डिफरेंस आ जाता है माइक लगाने से. दो ऑन कैमरा माइक अच्छा होता है, बट देन एक्सटर्नल माइक इज ऑलवेज बेटर. तो ये ऑडियो है विदाउट द माइक और ये ऑडियो है विद द माइक. तो भाई एक इंपॉर्टेंट काम तो हो गया जो था माइक. अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है गोप्रो का माउंट लगाना हेलमेट पे, क्योंकि भाई हेलमेट चेंज करा है, नया खरीदा, वो हमने अभी तक यूज़ नहीं करा. एंड उससे पहले लेते कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी के बिना एनर्जी नहीं आती. तो कॉफ़ी के बाद मिलते. भाई न्यूटेला कॉफ़ी क्या टेस्ट. तो भाई देखो माइक हम ले आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसके बिना व्लॉग तो बनते ही नहीं. दूसरी चीज़ अब ये है कि हमें मोटर व्लॉगिंग सेटअप अपना रेडी करना है, तो उसके लिए हम 2 मिनट में आए. तो ये है भाई हमारा हेलमेट. अब इसमें हमारा यहाँ पे, ठीक यहाँ पे जहाँ से आप लोग देखते हो वीडियोज़, इधर अपना माउंट लगेगा. तो उसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेसिक. एक तो है टेप, मैं एक हाफ अभी कर रहा हूँ, एक हाफ बाद में करूँगा, बिकॉज सूखने में टाइम लगता है. तो ये है मास्किंग टेप, साथ में हमें चाहिए एम सील और चाहिए एरल डाइट, और ये है माउंट. तो माउंट हमारा कुछ ऐसे लगेगा. तो भाई अब थोड़ा शुरू करते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, लाइट जाने वाली है एंड बाइक भी वॉश करवानी है आज. ऐसे करके पूरा मिक्स हो गया है, अब हम लगाएंगे इसको. भाई ऐसे हो गया पूरा माउंट, इस पे बेस रेडी. अब एक आखिरी चीज़, अब देख चिड़िया बोलती रहेगी, हम भी बोलते रहेंगे, हम रुकने नहीं वाले, चिड़िया भी रुकने नहीं वाली. तो अब अगली चीज़ जो लास्ट चीज़ है भाई, जो मुझे ख़त्म करनी है आज बिफोर आई एंड द डे एंड माउंट. तो आपने देख लिया, माउंट सूखने में टाइम लगेगा, बट देन ये देखो, इसको देखो कितने दिनों से बेचारी अकेली खड़ी हुई थी. आज हम इसको चलाएँगे, धुलवाएँगे, चेन क्लीन करनी है, बट मेरा क्लीनर ख़त्म हो गया है. तो अगर आप में से कोई प्यारे सब्सक्राइबर है भाई, घर भिजवा देना. नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, नया खरीद लूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन बाइक स्टार्ट करते हैं. क्या आवाज़ है यार, प्यार हो गया. तो भाई अब चलते हैं, बाइक वॉश करवाते हैं. सोप नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मैंने इसको डिटेलिंग के लिए देना है, तो वहाँ पर अच्छे से इसको वॉश करेंगे, बट वॉश तो करवानी बनती है.
तो भाई ये है हमारा दूसरा दिन और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है। अब इनका इंट्रोडक्शन भी अब हम इंट्रोडक्शन तो जरूरत ही नहीं, बस लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मुझे भी फॉलो कर लेना। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि ये व्लॉग मैं अगले दिन कंटिन्यू करूँ, बिकॉज कल का व्लॉग थोड़ा छोटा हो गया था। मैं आजकल थोड़ा डिफरेंट तरीके से पहले रोड क्रॉस कर लेते, मैं ये चाहता नहीं मेरा आखिरी व्लॉग हो फिर से। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि ये वाला व्लॉग मैं अगले दिन कंटिन्यू करूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि अब कुछ भी कंटेंट डालूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग 10 मिनट्स। तो हमने सोचा दो दिन कंबाइन कर देते हैं ना, आप लोगों से भी शेयर करते एक्सपीरियंस। आज मैं हूँ प्रैंकस्टर्स एंड अभी थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो भाई आज मैं आया हूँ प्रैंकस्टर्स गुड़गांव जो है सेक्टर 29 में, एंड दिस प्लेस इज पिक्ड अप पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इट्स थीम एंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पे होगा अपना शूट, एंड अगर हमारे शूट के पिक्चर्स आपको देखने हैं आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, विच इज करन से अगिल _ लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो अच्छे से शूट करते हैं, काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है यार टू बी बैक इन एक्शन। तो सारा जो कवर अप कर रहे हैं जो 1.5 महीना हमारा वेस्ट किया था, तो यार टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर वेस्ट इट, बी केयरफुल, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती है। क्योंकि मेरा वो छोटा सा एक एक्सीडेंट मुझे बहुत महंगा पड़ा था, बहुत टाइम तक मुझे घर बैठना पड़ा था, कोई काम नहीं कर पाया था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, विच शुड नॉट बी डन। तो भाई अपना शूट हो गया ख़त्म, एंड अब इतनी मेहनत करने का भूख तो लगती है, बंदा दिल्ली से सारे तो दिल्ली में, नहीं नहीं कोई घर नहीं आ रहा वैसे, एरिया तो भाई साहब शालीमार बाग से स्पेशली गुड़गांव आए थे हमारे साथ शूट करने के लिए, इतना तो हमारा प्यार है। बट अब भूख लग रही है तो आपको दिखा देते हम क्या खा रहे हैं। ये हमने ऑर्डर करा है पिज्ज़ा, जो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पैटी से इंस्पायर्ड है बेसिस पर, है ना, ये पैटी फाड़ के पिज्ज़ा बना रखा है, पैटी फाड़ के पिज्ज़ा बना। तो भाई क्योंकि हमने बड़े टाइम से फूड ब्लॉगिंग नहीं करी थी, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। मैंने ऑर्डर करा था पाव भाजी जिंकर, एंड जिंकर नहीं जिंकर, बट जैसे प्रेजेंटेशन आई है ना आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। अभिषेक जी काम बाद में करें ना, पहले थोड़ा अनवीलिंग करिए, उठाइए इसको, थोड़ा घूंघट उठाइए। ओहो तो भाई ये है पाव भाजी जिंकर, ये पाव मिर्ची भी खाओ, मिर्च और ये भाजी लगी हुई है, साथ में आलू की पैटी। बहुत हार्ड, बहुत सही है भाई, बहुत टेस्टी है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि चैनल में कुछ आवा आने वाले हैं चेंजेस, जो आप आई थिंक इस व्लॉग से पता चल गया होगा। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, या फिर आपको पुराना स्टाइल पसंद है। बाइक नहीं थी, बाइक आएगी आएगी, क्योंकि अभी माउंट लग रहा है, बाइक भी राइडिंग शुरू होगी। बट ये वाले व्लॉग के बारे में बताना आप लोग को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि आपको व्लॉग अच्छा क्यों नहीं लगा। एंड भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान रखो, मेरे लिए 1.5 महीना बहुत अजीब सा गया था, बिकॉज व्लॉग डाले थे मैंने, बट देन यार मन सा नहीं था कुछ ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने का बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बट अब हाथ अपना फाइन है, थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम है अभी भी, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अभी, बट देन हम अब कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर रहेंगे। एंड आप लोगों का प्यार चाहिए, तो अगर आप लोग अपना प्यार दिखाना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर करते रहा करो, दूसरे लोगों को दिखाया करो कि भाई ये देखो ये भी एक व्लॉगर आया है नया। और दूसरी चीज़ कि अब व्लॉग बाइक्स के बारे में तो होंगे ही, बट देन और भी चीज़ें होंगी, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते हो कि भाई लाइफस्टाइल रिलेटेड भी चीज़ें करो, फैशन रिलेटेड भी चीज़ें करो, जैसे टी शर्ट्स हो गई, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ रही है तो हम कोशिश करेंगे उसका लिंक ढूंढ के डालने के लिए डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप लोग के लिए आसानी हो। मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सेलेक्ट करूँ कुछ चीज़ें और आप लोग उस लिंक से वो सीधे जाके परचेज कर सकते हो। तो बहुत चीज़ें प्लान करी हुई है, अगली वीडियो में हम और चीज़ें आपको बताने वाले हैं और चीज़ें शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। उसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ इट डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।